असलकुम वरहुल्लि वरक मैंने अभी वीडियो भर दी थी टू um, डू um, कुछ एक टॉपिक था तो um, मेरे पास आया था um, किसी और के ज़रिया से एंड um, जब मैं फेसबुक लाइफ में गई थी ना फेसबुक लाइफ um, टिक लाइफ पे तो वो लोग बहुत ये सवाल पूछ रहे थे मुस्लिम एंड अरेंज मैरेज फोर्स मैरिज मतलब ज़बरदस्ती की हम मुसलमान लड़कियों को ज़बरदस्ती शादी करवाते हैं और फोर्स मतलब ज़बरदस्ती अरेंज um, मतलब कि अपने um, मर्जी से बगैर यू नो शादी और ये इस्लाम क्यों ऐसे करते हैं तो उसके लिए मैंने बनाई थी तो मैंने कहा मैं यहाँ भी शेयर कर लूँ चलो देखो आ, बात यह है पहली बात यह है कि इस्लाम में ज़बरदस्ती तो कुछ भी नहीं होता यू you नो know, हम ज़बरदस्ती किसी से ना प्यार कर सकते ना दुश्मनी करना चा, चाह करना चाहिए ना किसी से अग्रेस, अग्रेसिवली आ, बात करना चाहिए ना हमें कुछ ऐसे मलाल होना चाहिए आ, इस्लाम एक इतना खूबसूरत मज़हब है जिसमें पीस पीस मतलब तो सुकून उसमें बरकत उसमें रह मा उसमें सब कुछ है यू नो अल्लाह का तो um, हम ये कहते हैं कि जो हम अलैहि वसल्लम से आ, उससे पहले आदम से ट्रल महमल्लेसम तक यू you नो know, जो बैच्यूज हम कहते हैं जो आ, कहते हैं उसको पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आ, इलाक कैसे बात करना कैसे तहजीब से उठना बैठना खाना पीना ये सब कुछ यू नो हम ये सिखाते हैं और हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए तो आम, मैंने एक पहले वीडियो में कहा था कि कुरान में भी लिखा है think, सुरा, was, uh, सुरा फो एंड uh, उसमें लिखता है मर्दों को अपनी मर्जी से uh, शादी करने की इजाज़त बिल्कुल है एंड इजाज़त होनी चाहिए um, क्योंकि अगर आप देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी खदीजा की बीबी खदीजा दस पंद्रह साल बड़ी थी बेवा थी अकेली थी और um, उसके इतने अच्छे चर्चे होते थे उसके अखलाक um, के बारे में उसके कैरेक्टर के बारे में उसके मैनर्स के बारे में तब जब उसके पास रिश्ता आया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने खुद कहा कि ये तुम तो मुझे इतने छोटे ये कैसे लोग क्या कहेंगे यू you नो know? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब गए थे उसको पूछने के लिए कि यू नो ये बेवा है एंड बड़ा बड़ी है मगर है बहुत अच्छे इंसान है ये अबला बला बला तो उसने कहा कि हाँ अगर अच्छी है ये ना, ना मीच था उस क्राइटेरिया तो मुझे आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उन्होंने शादी की थी यू you नो know, इसमें कोई मलाल नहीं था कोई गंदगी नहीं थी एंड एंड फोफ़ वस्फोफिनो ये तो इंसान के इस्लाम के बारे के इस्लाम क्या लिखते हैं और क्यों कहते हैं कि ये प्यार मोहब्बत यह है आ, कितना ख़राब है क्यों खराब है क्योंकि औरतों को बहुत जज्बाती बनाया खुदा ने हम तो रीद की हड्डी रिब हाँ आदम औरत बेबी हवा वहाँ से मतलब उसको बनाया गया था फ्रॉम द रिप ऑफ आदमी तो हम बहुत जज्बाती है, है हम यू नो बट हमारा जो रोल्स हैं कम्प्लीटली अलग है मर्द का जो फिज़िक है उसके मुताबिक उसका जो जिम्मेदारी वो अलग है औरत की फिजिकलिटी फ़िजियोलॉजी उसके जो रिस्पॉन्स जिम्मेदारी वो अलग है पर अगर आप औरतों को देखें ना मा, माँ के पैर के नीचे जन्ना है क्यों जन्ना है यू नो एंड ऑल दिस थिंग्स माशाल्लाह के औरतों के लिए तो बहुत बहुत अल्लाह सुबहान तला ने बहुत नवाजा है तो हम मर्दों से घट नहीं है ना कि मर्द हमसे घटे ना सो दैट्स द फर्स्ट थिंग द सेकंड थिंग इज़ दैट ये जो शादी मोहब्बत वाले की बात है तो ये कहते हैं अल्लाह सब कहते हैं कि हाँ अपने आप को बचाओ चस्टी को बचाओ यू नो ये जिना ना करो ये ना करो क्यों ना करो ये है इस वजह से कि इस इस औरत को अपना हया बचाए मर्द है ना वो उनका तो बेहया हो वो दूसरी बात हो कि हाँ ये तो मर्द है औरतों को अगर एक दाग भी लग जाए ना वो कहते हैं शादी करने के लायक नहीं है और दाग मैंने कह रहे हैं कि फिज़िकल रिलेशनशिप का अगर कोई लो, औरत किसी मर्द से बात भी करे यू you नो know, वो कहते हो ये तो चालू मर्दों से बात चाहे वो नौकर हो चाहे वो गार्ड हो चाहे वो ना दुकानदार वाला हो एम ये लोगों के यही नज़रिया है तो चलो अगर आपने इन किसी से रिलेशनशिप में गए एंड यू नो फ़ोन किया फ़ोन में इतना पर्सनल बातें होती हैं And uh, video call is so personal, like, you know, hoti hai. You, you get a level of call, uh, comfort, you're comfortable. Um, you have, um, you know, the way you sit, the way you sit, the way you dress, the time you call. It's a, a big level of, um, you know, um, comfort level that you're in with that person, which is a trust level. So that's also one thing, Um, अगर वो फिर बात करना छोड़ो कितना उसको आदत होती है कितना आपको दुख पड़ता है कितना फिर शक पैदा होता है कितना फिर रोना धोना ये यह सब झपना सोनाज मैन एंड वमेन सिचुएशन डिपेंड्स यू नो द इंडिविजुअल्स फिर उसके अगर आ, आ, आप आ, अपने रिलेशनशिप को आगे भी लेके जाएं एंड आपने यू नो लाइक फिजिकल रिलेशनशिप में आए तो उसमें फिर अभी यू नो घोड़े में बैठने कहते हैं कि लड़कियां ऐसे होती हैं मोटर बाइक बैठे हैं तो कहते हैं वो लड़कियाँ यू नो टॉकिंग बात है हाईमन And, um, like you know, I've got a bike, this guy, Hymen, Hymen, to do anyway for anything. You know, there's nothing to say that Hymen is a virgin. I don't understand that scientifically it's proven that it's not, anyways. so if you a physical relationship, and the chances are that you know she could get pregnant, okay. Um, and there's lots of things then issues that go around with the pregnancy but if she doesn't get pregnant you have gone from um, a small level of just a crush and then in love and then talking to so, other then and then you're together and then you got physical and so that your emotional levels and it's, it's so heightened because you're together and having a physical relationship it's an expression of your love यू नो लोग कहते हैं हवस में ये है वो है बट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव यू नो एंड यू यू हैव गिवन यू ओल्ड टू समवन ये कोई चीप चीज नहीं है एंड मे भी कोई लोग मर्द हैं औरत हैं ये कहती है इसे तो चीप देंगे लाइक पोर्नोग्राफी की वगैरह वगैरह हाँ इस चीप इज मे की मनी वगैरह पर जो इंसान सच्चा है उनके प्यार सच्चा है दैन दिस इज़ एन एक्ट ऑफ लव तो जी इमेजिन इसकी चीज़ के बावजूद भी आप लोग साथ नहीं हुए शादी नहीं किया ये नहीं किया वो कितना दर्द होता है ना? लोग तो जान अपने जान भी लेते हैं इसके इसकी वजह से या लड़का दर पदर होता है या लड़की जान देती है जहर खाती है फिर उसको जाके शादी करा कर नहीं मरी तो शादी करके किसी और के साथ तो वो आदमी अगर पता चले कहीं कि किसी और के साथ है तो उसकी ज़िंदगी कितनी नरक बन जाती है ये तो फिर वो दूसरी बात हुई है अगर फिर उसको पता चला कि आ, ये अभी ये कहते हैं सफेद शीत वाला वालास यू नो एंड अ गेन अगेन इन मीन द एक्ट ऑफ पॉपुलेशन रैनिटी बट एन तो मार मार के पता नहीं इसको क्या हालत बनाते हैं सोट यू नो इट्स द लेस ऑफ द टू ईवल्स यू नो जिंदगी बर्बाद करने से पहले अच्छा है तो इस काम में ना आओ जो काम इस खराबी में हो सकता है जो मानसिक जानलेवा हो सकता है तो उससे दूर रहो द लेस ऑफ टू ईल्स एंड नथ सो हिक मा बिहड इट यू नो कि यह अच्छी बात नहीं है um, इंसान के खुद के लिए यू नो ई ईमान के लिए इनकी अपनी मानसिक हालत के लिए यू नो फॉर द फैमिली एंड ऑल डिफरेंट शेप्स ऑफ फॉर्म दैट्स वाई इससे कहते हैं ना इन चीज़ों से दूर हो जो में नुकसान हो तो उनसे दूर रहो पर यू नो वी ह्यूमंस एंड वी लाइक नो अटेंशन एंड वी लाइक टू फील वी एंड लव तो हम करते हैं पर आजकल का ये जो मोहब्बत है इश्क है ये सब कुछ है ना ये तो हाँ हाँ हाई फ्लाइश आए यू नोम वैम थैंक यू मैम सो प्यार है जो यू you नो know, अब पाकिस्तान में हर जगह में फैला हुआ है इसमें यू नो वेरी लो परसेंटेज इज डिद एक्चुअल लव क्योंकि मैं तो हर वक्त बच्चों को ये समझाती हूँ कि जो आदमी आपसे प्यार करता हो ना वो आपको हाथ भी नहीं पकड़ेगा वो आपको छूने की कोशिश भी नहीं करेगा यू you नो know, वो तो ये चाहेगा कि मैं तुम्हारे सर पर दुपट्टा हो लोगों के सामने मुझे हाथ ना लगाओ लोगों के सामने मुझे ये ना करो वो ना करो यू you नो know? अब जब हम मेरे तुम तो नज़र नीचे करो मैं भी नज़र नीचे करता हूँ लोगों के सामने फैमिली के सामने ये ना करो बिकॉज ये इज्जत की बात हुई यू नो एंड लोगों के बाद तो अगल अलग है पर वो खुद नहीं कहेगा खुद नहीं चाहेगा and that's the difference between someone who is actually in love with you and someone who wants you for um, those other relationships. Oh yeah, but make you but make making is dispelling the um, stereotypical views about uh, forced and arranged marriages. so, your topic, may i be lucy angels, lady um के um, तो इस्लाम में यू नो फोर्स टू फोर्स सम मैरिज इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और जब हम निकाह करते हैं निकाह मतलब यह है कि सारा ज़िंदगी आप एक मर्द के साथ हो और एक मर्द अपनी औरत um, के साथ है और उसको किस तरह यू um, नो you know, um, ट्रीट करना चाहिए भी कुरान में एपचुअली स्पेसिफाइड है यू you नो know, औरतों को किस केस संभालना ऐसे वैसे सेंट्री ऑफ मैरिज वो तो हमारा कुरान um, में लिखा हुआ है पर अगर वो शादी एक ज़बरदस्ती की शादी है अब मैं आपको आम, तीन किस्सा बताऊं पहले आम, दो एक्चुअली है चार हैं दो मर्दों की और दो औरतों की और मेरे खुद जान पहचाने वाले हैं सॉरी मैं ये नहीं बना रही हूँ एक मेरे भाभी की बहन है तो वो भी आई थिंक नाइन्टीज़ में वो बहुत छोटी थी पंद्रह सोलह साल की थी दोनों बहनें को लेके गए थे पाकिस्तान शादी करवाने के लिए और उनको ड्रग्स दिए गए थे कि ये यू नो उछले ना तो व्हील में डालो उस वक्त चेकिंग वैकिंग कुछ नहीं होता था व्हील में डाल के पाकिस्तान लेके गए थे तो शादी का जो वीडियो निकली थी तो हमने जब देखा था कई साल बाद ये क्यों ऐसे मरी हुई लगती है ये कोई शादी हुई तो उसने कहा नहीं इसको ये तो नशा में थी उसको पता भी नहीं था कि इसके शादी भी है और इसको तो इसने तो नक में कबूल भी नहीं की सो okay? so, ये कोई शादी हुई ये कौन सी इस्लाम ने ये सिखाया कि जोर जबरदस्ती है किसी को शादी करवा दो तो जो लड़की को ख़ुद नहीं पता क्या हो रहा है और अगर उसने खुद हाँ ने की कबूलने की निकाह में जो तीन दफ़ा करना चाहिए तो उसने तो एक दफा नहीं की थी क्योंकि वो तो तो नशा में थी ये ये शादी कोई शादी हुई उसके शोहर ने उसको मारता था इतना मुझे बुलंदन आया इतना उसको मारता था क्या स्त्री के साथ उसके पीठ पे लगा था क्यों देख ना ले वो लंदन वाली थी ना और वो तो पाकिस्तानी दो बैठे हुए दो बेटे हैं और बेटों को बहुत बहुत संभालता था अगर माँ ने लगा तो बेटों को भी मारता था वो ऑबियसली तलाक भी हुई नो यू नो कैन लिव दिस टाइम करो इतने बदनाम की लड़की को पर उसने अपने सारा कहाँ कहाँ उसके जिसम जला था कि कहाँ कहाँ उसको काटा है उसको पता चला यू नो दूसरी मेरे आ, है, आ, हैं सहेली वो पाकिस्तान गई थी उसको पता भी नहीं था कि वो शादी करने के गए रहे हैं वो तो बस पंद्रह साल के वो तो गए थे हॉलीडेज में हॉलीडे पे गए थे उसको पता भी नहीं था उसकी शादी भी हो रही है अलग कमरे में उसको बैठाया अलग कमरे सारे लोग बैठे उसको भी पता भी नहीं था उसको तो फिर चुंडी मरता हाँ ऐसे किया तो उसका हाँ मुबारक मोर उसने लड़की ने हाँ की इस लड़के ने, लड़की ने तो हाथों ने नहीं की थी तो उसका तो आम, इतना सब कुछ हुआ मारते थे पीरते थे कि लंदन वाली ख़राब है इसका हम अच्छे तरह करेंगे ये करेंगे वो करेंगे तो पता नहीं किस तरह कैसे लाख-लाख मेहरबानी तो वो तो वापस आ गए लंदन लंदन आएगी तो लंदन आके उसको तलाक दे दी इतने यू you नो know, बातें यह है वो फ़लान दो लड़कियाँ जो के ऑनर के लंग कहते हैं उनको मार दिया गया उनके खुद के अबू के तरफ से क्या इस लड़की ने को तो दिया था पंजाबी थे मैनचेस्टर के तो उनको देना था किसी और को शादी पर लड़के को वो पसंद नहीं था उसको तो हर वक्त कहा था ना पढ़ते यह करते जब तुम्हें कोई पसंद आएगा हमें बता दो तो शी वज ओके शिव फैमिल तो, फैमिली कैज ठीक है इसने प्यार की बहुत अच्छा लड़का था यह था वो तो किसने कहा कि तुम्हारी लड़की को मैंने वहाँ वहां देखा है इस लड़की को वहाँ वहाँ देखा है तो उस बाप ने लड़की को मार मार के बंद किया किस तरह जैसे वो निकल गए तो भाग गए भाग गए तो लड़के ने कहा कि यू नो मैं तुम्हारे साथ ऐसी शादी नहीं करना चाहता हम करते हैं तो इज्ज़त से करेंगे क्योंकि कल तो वैसे तुम्हें यहाँ रहना तो लोग क्या कहेंगे तुम्हारा अबू अगर ये यू नो ऐसे फील कर रहे हैं तो उसको तो और तो मत होगी तो लड़के ने जैसे कैसे किया अपने गर्लफ्रेंड को घर पहुँचाया उसने कहा कि कल मैं मौलवी के साथ ही आऊँगा अपने पेरेंट्स के साथ आऊँगा उसी रात उसने अबू को अबू ने उस लड़की को मार डाला बेटी में डाल के फेंक दी क्यों इस्लामिया सिखाता है नहीं ना दूसरी लड़की थी तो लंदन की थी वो माशाल्लाह ब्यूटी थेरेपिस्ट थी बहुत बहुत हसीन बहुत गोरी थी बहुत दिस मैटर मैं ऐसे कह रही हूँ गए थे पाकिस्तान और खुद कहा थी कि मैं जाऊँगी पाकिस्तान में देखूंगा पहले अगर लड़का अच्छा है और फिटिंग है ठीक है मैं कर लेता हूँ मुझे कोई एतराज़ नहीं है पर अगर नहीं है मैं यू you नो know, अबू ने कहा हाँ हाँ अगर तुम्हें पसंद नहीं है और सारे बहुत कज़न्स हैं वहाँ जाते ही उसके जो कज़न हैं मोटा था काला था इतना बदरंग बेरोजगार तो उसने लड़के को हाथ लगाने की कोशिश की शादी से पहले तो अब उसके अबू ने कहा उसने अपने अबू को कहा कि इसके साथ मैं शादी करूँ ये तो मुझे पहले अपना जागे समझ रहा है कि मैं लंदन की तो मुझे ये करेगा वो करेगा तो बाबू ने कहा नहीं नहीं मैं इसको समझाता हूँ तो उसने कहा जो भी हो अब मैं इसके साथ मैं शादी नहीं करूँगा तो ये बहस हुआ वो बहस हुआ इसने इसको चालाक थी उसने जो भी करना था कर ली फिर जैसे तैसे लोगों ने इसको वापस लंदन लंदन दुबई ये चली गई क्योंकि कल ये यू नो लंदन आके पहुंचेंगे ये है वो है तो वो गई नहीं उसका निकाह हुआ था तो ऐसे जैसे इसने ये निपट ली और ये बहाना वो बहाना करके तो उसको हाथ लगाने नहीं थी तो वो तो हफ्ते के अंदर वो तो फरार हो होकर गई दुबई दुबई गई थी तो वहाँ पाँच छः साल रह के फिर बच्चा भी शादी भी हुई बच्ची भी हुई एंड फिर उसके अबू का फ़ोन आया कि मम्मी का फ़ोन आया कि तुम्हारा अबू मर रहे हैं तुम आ जाओ पाकिस्तान उसने शोहर ने कहा लाख तुम ना जाओ वो भी खुद पाकिस्तान था जो दुबई में सेटल था लाख तुम ना जाओ ये होगा वो होगा उसने नहीं नहीं मेरे अबू हैं मेरा माशाला अभी इतने साल हो गए यह है वो फ़लॉँ वो वहाँ गए हफ्ते के अंदर लड़की गायब हो गई उसके एक्स हस्बैंड ने रेप भी की और अबू ने उसको मार भी डाला दफना भी दी अभी यहाँ ब्रिटिश मीडिया में यही आई थी ये तो नहीं होता ना इस्लाम में होता ही नहीं है और लड़के दो लड़के जो मैं पहचानती हूँ तो मेरे कॉलेज डेज में एक लड़का था मोहम्मद माशाल्लाह लंबा था कितना खूबसूरत था माशाल्लाह पंजाबी फैमिली का था तो बातें करता एक दिन रो रहा था मैंने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो हुआ, हुआ क्या है उसने कहा यार तुम्हें मुझे नहीं पता क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ है हुआ क्या अब वो था होमोसेक्शुअल गए पर किसी को नहीं बताया था तो मुझे कहा कि बातचीत प्लीज मैं आपको कह रहा हूँ मुझे पता आप, ये नो, ये नो, है आप यू नो यू नो लिबर लो ये हो वो हो मैं किसी और को नहीं बता सकता मैं आपको बता रहा हूँ यह है मुझे प्लीज यू नो किसी कोई हो तो मुझे सुन ले तो मैं कहना भाई तुम मुझे बता हुआ क्या तो वो कहते मैं सोलह साल का था मुझे ज़बरदस्ती इन लोगों ने पाकिस्तान लेके गए और मुझे शादी करवाया मुझे ये भी नहीं पता था वो कौन थे कौन नहीं है तो शादी हुई दिन मैंने उसको कहा कि मैं लड़कियों को पसंद नहीं करते करता और मैं शादी नहीं करना चाहता यह है वगैरह तो वो लड़की फिर पता नहीं किस किस को क्या कहा तो उन लोगों ने पता मुझे मुझे क्या क्या पिलाया वगैरह वगैरह तो उसने कहा कि जो भी होगा तुम मुझे लंदन लेके जाओ बला बला बुला वो लंदन ले आई गई तो उसने सब दुनिया को बताया कि ये मेरा शोहर गए है ये है फलाम आपने मारा इसने मारा उसने मारा यह बेचारा ऐसे दब दब के दब दब के रह गया तो जो हमारे कॉलेज खत्म हुआ था दो साल के बाद तो मुझे मैंने सुनने में आमिर का पूछती थी मोहम्मद का हुआ क्या ना घर छोड़ा है सबको छोड़ा यू नो भाग गया है बीवी को भी छोड़ के ये वगैरह अभी बीवी तो बेचारे शादी होकर यहाँ पंस गई है एंड कहाँ जाएगी वो कहाँ किसके साथ शादी कर लेगी कौन उसको अपनाएगा यू नो लड़का तो अपने घर मर सबको छोड़ के वो भी बर्बाद हुआ दूसरा था औरंगजेब बहुत सोलह साल का मैं अठारह साल की थी बहुत सोलह साल का था और मैं उसको देखती थी ना वो कैसे माशाला कॉमन रूम में बैठता था किताबें पढ़ता था जुमा के दिन जाता था जुम्मा नमाज़ यह वो कुछ कोई और लड़के की तरह बिल्कुल था ही नहीं वो एंड जब उनसे बातें हुई थी तो आम, वो ये कहता था कि न you know, उनका रिश्ता हुआ था उसकी चाचा के बेटी के साथ और वो चाचा दोनों भाई ने कहा कि हाँ अगर मेरे पास बैठा बैठी होगी तो अदली बदली करेंगे किस्मत यह हुआ कि उस चाचा चाचा के बेटी पंद्रह साल पहले पैदा हुई थी ये बेचारा ऑब्वियसली यू नो पंद्रह साल के बाद फिर भी जोर जोर जबरदस्त जो जो थी तो उसने कब कहा उसकी अम्मी ने कहा नहीं नहीं वो छोटा बच्चा है वो उसको लाखी कर दो तो उम्र देखो तो उसके फिर दोनों बहन भाई की अदली बदली हुई थी ये बेचारा बहन को शादी करवाने गए और ख़ुद बेचारा शादी करके आ गया है तो हर किसी ने कहा कि बेबी कहा तुम उसको शादी पे देख लेते हैं मुझे दावत मिलती है मैं मैंने क्या मैंने कहा मैं मुँह खुल जाएगा मैं कूल जाऊँ तो उसने कहा तुम बेबी उसको देख लेते हैं ना कोई दुल्ला इतना रो रो के पिस पिस के ऐसे बैठा था कि यू नो मेरी ज़िंदगी बर्बाद जिंदगी बर्बाद हुई थी उसकी ए स्टार स्टूडेंट था ए लेवल्स में सबसे होशियार किंग्स कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जागा मिली थी डॉक्टरी का अब सुनना के आया तो इतना बर्बाद और नमाज क़ुरान सब को छोड़ा बस ऐसे क्यों इवन क्यों हम इना अगर जब आप ये बात सुनते हो ना तो ओबली लोग ये कहेंगे ना कि इस्लाम कितना गंदा रिलीजन है कि अपने बच्चों को भी नहीं बख्शते पर इस्लाम में तो ये लिखा ही नहीं है तो जड़िए इस्लाम में ये लिखा नहीं है किसी को मारना का हक नहीं होता किसी को ऊपर गु़स्सा होना अच्छा नहीं है इंसान वो अच्छा है कि नरम दिल हो बातों में तज़ीब हो यह है वो हो तो कहाँ लिखा है कि हम अपने बच्चों को दुनिया नो ज़िंदगी में अजाब दें वो उनसे शादी कर तो वो उनको पसंद नहीं है ज़ोर ज़बरदस्त रिश्ता बनाने में जो यू नो नशा के हालत में या कि ड्रग के हालत में या तो पत्नी क्या मजबूरी के हालत में या तो दूसरी यह तीसरी बात यह है लालच के आशरे में हम यहाँ के बले पड़े हैं हमारे अबू ने बहुत बात की थी पाकिस्तान ऐसा है वैसा है माशाल्लाह हम बचपन से ही ना इतने हम खुश थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे अपने कज़न से मिलेंगे पर यू नो ना आ, ए, एक वो एक दुनिया है नॉट जस्ट पाकिस्तान बट बैक कॉम ए डेवलपिंग कंट्री ऐसे ऐसे डोगन डोग वर्ल्ड हर किसी को अपना कुछ फ़ायदा देखते हैं और हर कोई का को यही टिकट चाहिए कि यहाँ आ जाए मेरे सहेलियों का शादी में सीख थे एक तो सीख थी माशाल्लाह उसने शादी करके यू नो अपने कज़न के साथ और पाकिस्तान से इंडिया से आए तो अभी जाके मुझे पता चला दस साल पहले तो उसका डिवोर्स हुआ तीन बच्चों को यहाँ आके पासपोर्ट मिला बस ऐसे फ़रार हो गया गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह मेरी दूसरी है माशाल्लाह उसका शादी हुई थी आ, घर पे आया पाकिस्तान तो इंग्लैंड पे आया तो उसका अबू ने रही मोल ने अपने रेस्टोरेंट उसका नाम किया दामाद का गाड़ी ली उसका नाम पे किया घर ली उसका नाम पे किया कि कल आ, बीच में फ़ोन आया आई शो आई लेफ्ट पर आ, बात यह है कि यू नो कुरान में तो ये नहीं लिखा कि जोर ज़बरदस्ती दब, हम किसी के ज़िंदगी बर्बाद करें और उस लड़की को जितना भी अपने दामाद के लिए उसके अबू ने किया लड़का आया बांग्लादेश से आया तो पाँच साल के बाद उसका पासपोर्ट मिला पासपोर्ट मिला उसने बीवी बच्चों को घर से भी निकाला एक दिन वो आई नो स्कूल से बच्चों को ले आके दरवाजा से नहीं खोला गाड़ी गायब पता चला कि घर भी बंद और नौकरी पे अब उसको अपने अबू को कहा अबू ने गया उसको कहा ये तुम क्या मुस्तुक निकालो मैं दुकान से मैं प्लीज़ को मंगवाऊंगा कि ये दुकान मेरा तुम जबरदस्ती मैं दुकान में घुसे हुए हो अरे दुकान तो मेरा है। दुकान तो तुम्हारा क्या है देखो ये तो तुमने मेरा नाम ये तो मेरा मेरा नाम लिखा हुआ है तो यही होती है जो जब लोग हमसे पूछते हैं कि हमने पाकिस्तानी मर गए तुमने गोरा के साथ शादी की तो हम हर बार ये कहते हैं कि हम लोगों को देख देख के ना सीख ले सीख लिए हमने कि लोग जो हम ब्रिटिश हैं या हम बाहर की दुनिया में जो रहते हैं हमें औरत नहीं समझते हैं हमें तो एक जागीर यू नो एक ट्रॉफ़ी की तरह देखते हैं कि हम इनसे क्या हमें हासिल होगा ओह तो मैं लंदन वाले के साथ शादी हुई तो मैं अमेरिकन वाले से शादी करा यह तो ट्रॉफ़ी हुआ और अपने फ़ायदा अपने नाम अपने शान के लिए तो औरत है ना हम अपने जिसम को या अपने ज़िंदगी को किस आदमी के साथ दे सकते हैं कि वो सिर्फ सिर्फ़ हमारे साथ यहाँ देख डर के वजह से है या एक ज़रूरत की वजह से है और अपने लालच के वजह से है या हम उसके ट्रॉफ़ी हैं इसके वजह से है यू नो इट्स यू नो ये जान लेवा बातें होती हैं इंसान के दिमाग में कोई सोच समझ का ऐसे ना शादी नहीं करता बगर अगर हम कहते ना कि हम अपने और लड़कियों को नहीं कह, नहीं कहना चाहिए कि तुम ऐसे पर्दा करो हम अपने बच्चों लड़कों को भी ये सीख देना चाहिए कि बेटा आप ना अपने आंखें ऊपर करके लड़कियों को ना देखो ऐसे आप ये प्यार महबे बुलशिट में ना आ जाओ ये अल्लाह का राह पकड़ो ना अगर आपकी जिंदगी में कोई आने वाला ना वो आएगा और वो इज्जत से आएगा नो सो um, मैंटालिटी तो बहुत ख़राब है और फिर ये आम, सुनने में बहुत आता है अभी दूसरी दिशा में बात करूँ कि सुनने में बहुत आता है कि जब ब्रिटिश हो के हम जाते हैं हमसे हम मैंने तो नहीं की पर जाते हैं पाकिस्तान में जब शादियाँ होती हैं तो ये लड़कियों को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है और जो नो you know, लैंग्वेज भी नहीं है लैंग्वेज पैर है तो वो तो अपने दादी दादुओं के साथ वो तो बात भी नहीं कर सकेगी क्योंकि ब्रिटिश बोर्न है या अमेरिकन है वो तो उस लैंग्वेज को नहीं पता होगा उसका नहीं पता है क्या करना क्या नहीं करना तो निकाह के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो उसको ये भी नहीं पता कि है क्या वो जोर जबरदस्ती वो जोर दर वो साइन करते हैं और तो ये भी नहीं पता है, मैं क्या साइन करे हक मार क्या होता है उसमें तो लिखा क्या है बड़े शक में छोटे शक में लिखा क्या होता है ये भी नहीं पता होता है शादी तो इतना अच्छी हसीन चीज़ होना चाहिए इट्स हाफ ऑफ ऑफ ये दीन आपका दीन का आधा हिस्सा आपने कबूल किया है ना इट यू नो कि मैंने शादी की है शादी के पॉपोरेशन होते बच्चे होते वगैरह होता है हमारा इस्लाम बढ़ जाता है यह है वो फ़लान यू नो एंड ये मिलन होते दो इंसान जो अपने सारा ज़िंदगी एक दूसरे के देने के लिए यह अच्छाएँ रखते हैं पर वो शादी क्या है जो जोर जबरदस्ती हो यू नो हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर औरत राजी नहीं है किसी को यू नो लाइक फिजिकल रिलेशनशिप में एक कॉन्स्टिट्यूट रेप हाँ नॉन कन्सेंशियल है वो तो, तो रह पाए ना और लड़की को नहीं पता क्या हो रहा है तो जो समय कोई पता नहीं कौन बुढ़ा आदमी इसका आ रहा है इसका यू you नो know, जिस्मानी यू you नो know, कर रहा है छिटा सा ने भी नहीं कि वो अभी ये भी दूसरी बात है ना कितने बुरे आदमी छोटे छोटे लड़कियों के साथ शादियाँ कर रहे हैं आई न्यूर सम मेरे um, बहन की ससुर um, हुआ होता आई थिंक हाँ एंड हम गए थे यू नो अपनी बहन की यू नो फैमिली ससुराल वाले देखने के लिए ना शायद सगाई पक्की की थी तो हमने कहा हम जाएँ देखें है कौन यू नो फैमिली क्या है तो मुझे तो बहुत शौक था तो मैंने देखा लड़की थी अब वो आदमी था एटीज़ इन इज एटीज़ राइट एंड ये लड़की थी पंद्रह साल की और ये चिपकी हुई थी दीवार के साथ बैठी हुई थी बट बच्चे इनके पोते इनके यू you नो know, छोटा um, लड़का उसका तो तब ट्वेंटी फाइव का था और अब शाहजादे ने शादी की इस लड़की से तो उसके छोटे छोटे मतलब बेटे से भी छोटा छोटी थी फिर वो किसी को उसको बात नहीं करते थे शिवजौली देखते कुछ बात नहीं करते थे उसके साथ वो बेचारे फिर मैं जाती थी मैं भाजी अब ठीक तो हो कुछ खाओ पियो ये क्या चिपकी रोती थी रोती थी सब एक निकलो निकल, 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 बात ना करो बात ना करो है क्यों यार क्या हुआ एंड और, और मैं इतनी डरती थी मैं जाते तो खाना लेके जाती थी या पानी लेके जाती है क्या फिर बेचारे मुझे कहा कि ऑपरेशन हुई है इसके नो ओवरीज निकाल है उसको बच्चा नो आई डोंट थिंक ही आई डोंट नो आई थिंक ही कैन इन दैट एज इवन एनीवेज बट एंड ओवरीज निकाल के शी डजंट सो ही इज गोना डाई आई हैड मैं पता चला कि मर तो गया पर आई इज गोना लिव पर उसकी जिंदगी वो तभी तो अभी ट्वेंटी फाइव की होगी तो सारी जिंदगी अगर शादी भी वापस हो गई बच्चे कहाँ से पैदा होगी यू नो इट्स गोना हैव टू बी मैरिड अगेन टू समबडी हु इज अ हु इज अ यू नो अ विडो और एन अंकल हु डजंट वांट एनी मोर किड्स सो अ सेकंड वाइफ अ थर्ड वाइफ और ट्रॉफी वाइफ एक काम के लिए बस यू नो कहाँ है हमारे इस्लाम में और बात करें क्लोज टू होम रिसेंट डेज तो यू you नो know, हमारे माहौल इतना खराब है बैक होम यू नो इतनी मा, माहौल ख़राब है मैंने अब कल किसी से बातिंग कर रही थी तो मैंने एक माहौल का नाम लिया था उसने कहा लो तो बाजी वहाँ ना जा करें मैंने कहा क्यों यू you नो know, जो यू नो कनेक्शन है तो वहाँ इंसान जाता है दावत में ना बाजी वहाँ बिल्कुल ना जाए यू नो क्यों एंड इट साउंड इफ़ इफ लाइक अ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट वहाँ लड़कियाँ एक एक लड़कियाँ ख़राब हैं छोटे छोटे लड़कियाँ खराब हैं वहाँ आंटियाँ भी इतनी ख़राब हैं हर किसी को देखो इन लड़कों से लगा हुआ हु, है छोटे लड़के हों बड़े लड़के हों शादी शुदा हों ये इलाका बहुत ख़राब है अब वहाँ जाए ना उनके साथ ओसोशिएट ही ना करें अनोजा वो ये तो हमारे बड़े ऐसे कहते हैं तो वहाँ कैसे यू नो एंड और दोनों पार्टीज को पता है कि दोनों लगे हुए हैं पर माँ बाप बेचारे कहते हैं नहीं बचपन से इसको नाम दिया उसका नाम दिया ये कहाँ जाएगी इमोशनल ब्लडी बुलशिट सगाई फीसो बच्चा यू नो इसका जिंदगी वहाँ बर्बाद उसका जिंदगी वहाँ बर्बाद और दो अलग दूसरे लोगों से प्यार करते हैं तो उनका दो जिंदगी बर्बाद और यह कोई मजाक को लगा हुआ है तो मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ ये इस्लाम में लिखा हुआ है? ये कहाँ इस्लाम में लिखा ये फोर्स अरेंज गुड थिंग, नहीं है देखो. Um, But, uh, marriage, किसी के इजाजत के बगैर मर्जी के बगैर इट्स हराम क्यों कौन कौन के माँ बाप ने इतना हक जगाया कि उसको जो भी करे वो करे जो पिस रहा है भले पिसरे क्यों यू टू थिंक अबाउट इट नेक्स्ट टाइम यू इन सिचुएशन आप क्या कर सकोगे अलिकम व बरकातहू